आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से ORS बनाने की विधि बताऊंगी और उसे कैसे देना है और कब तक लेना है और कब कब हम ले सकते हैं उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। यदि आप मेरे YouTube चैनल से पहली बार आप जुड़ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करें और दूसरों को शेयर भी करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ORS जब हम लाते हैं तो इसे बनाने की विधि अगर सही से नहीं पता हो तो वह हमारे किसी काम के नहीं रहती। यानी ORS का जो पूरा पैकेट होता है उसे हम 1 लीटर साफ पानी में घोलेंगे। साफ पानी कहने का मतलब है यदि हम पानी को उबाल लेते हैं तो भी वह साफ हो गई, यदि हम चापाकल से पानी तुरंत लाते हैं और उसमें ORS बनाते हैं तो वह भी ठीक है, बशर्ते चापाकल का पानी जो है वह स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद ORS को हम 24 घंटे से ज़्यादा घोला हुआ जो ORS है उसको इस्तेमाल में ना लाएं। यदि हम छोटे बच्चों को ORS देते हैं तो उन्हें जिस मात्रा में देनी है उस मात्रा में देकर बाकी बचे हुए ORS को 24 घंटे के अंदर पी सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं उसे पी के। यदि माँ बच्चे को देती है तो बच्चे को 24 घंटे के अंदर वो देंगी और उसके बाद वह स्वयं पी लेंगी। इस प्रकार ORS बर्बाद होने से भी बचता है और शरीर को फ़ायदा भी पहुँचाता है। यदि आपके पास 1 लीटर का बोतल है तो उस बोतल में पूरे ORS को घोलें, यदि नहीं है तो 4 गिलास पानी में ORS के पूरे पैकेट को डाल देना है। यानी साफ पानी, साफ बर्तन और साफ चम्मच, साफ गिलास, ये सब आप रखें और अपने हाथों को भी साफ रखें। और इस प्रकार आप अपने बर्तन में 4 गिलास पानी डालें और ORS का पूरा पैकेट घोल दें। घोलने के बाद उसे मात्रानुसार, जो मात्रा मैंने अपने पूरे पिछले वीडियो में बताई है उसके अनुसार आप अपने बच्चे को दें, बड़ों को भी दे सकते हैं। और उसके बाद बचे हुए ORS को 24 घंटे के बाद या तो फेंक दें या 24 घंटे के अंदर उसे ख़त्म कर लें। इस प्रकार यदि ORS का उपयोग करते हैं तो ORS हमें निर्जलीकरण से भी बचाता है और हमारे शरीर में होने वाले पानी की कमी को वह दूर करता है और हमें स्वस्थ रखता है। तो हमारे जीवन में ORS घोल का बहुत बड़ा महत्व है जिसे लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते और छोटी सी बीमारी को नहीं समझ पाने के कारण वह बड़ी बीमारी की ओर चले जाते हैं। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, छोटी से छोटी बातों का भी ध्यान रखें और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य की जो संपत्ति है उसे सुरक्षित रखने के लिए मेरे YouTube चैनल को आप देखते रहें और उसे अन्य लोगों तक पहुंचाते भी रहें, शेयर भी करें और फ़ोन कॉल्स के बजाय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों तक आपके सवालों के जवाब दे सकूं। धन्यवाद।